इलेक्शन का जीतना इज नॉट एज एन रियल विक्ट्री द रियल विक्ट्री इज वेन पीपल ऑफ दिस कंट्री द मोस्ट हु आर स्ट्रगलिंग मार्जिन फ्रॉमटीन सेवन टू टिल नाउ पचहत्तर साल से इंतजार कर रहा है आजादी के लिए उनका सच पे आजादी कभी मिलेगा वो समय हम कह सकते हम जीता हम जीत गया कॉन्स्टिट्यूशन सबका आजादी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अमीर लोग का अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं कहते हैं मेरा सिर्फ सिर्फ एक ही बात है ये देश का नागरिक है वो हाथ से महिला डो के रोटी क्यों खाना सिंपल एक ही प्रश्न है 2430 का करीब लोग ये देश का अंदर गटर का अंदर गुस्सा के हमने मार डाल दिया उनका भी परिवार है कोई महिला साफ करने वाली महिला पचहत्तर साल आज़ादी के बाद आज का तारीख पे भी वो हाथ से महिला उठा के रोटी खा रहे हैं वो पार्लियामेंट पे आके नहीं कह सकते मैं काम कर रहा है नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खास पेशकश आज की खास पेशकश बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि दो किन मायनों में बहुत खास रहा है तौर से अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी हमारा आपका प्रिय संविधान जो है वो जिन बुनियादी चीज़ों की गारंटी करता है उसकी अवहेलना क्यों हुई कैसे हुई और सरकार ने उस पर क्या रवैया अख्तियार किया हम सब जानते हैं कि हर कदम पर देश के संविधान की टक्कर नफरत फैलाने वाली ताकतों से हो रही है संविधान की टक्कर मनुवादी सोच से हो रही है जातिगत उत्पीड़न बढ़ा है बर्बरता बढ़ी है और उससे भी बड़ी बात कि इस बर्बरता पर सरकारी चुप्पी सरकारों की चुप्पी बरकरार है इन तमाम जलते हुए सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन जो बहुत लंबे समय से तकरीबन तीन दशक या यूं कहिए कि पैंतीस साल से देश में सिर्फ एक अभियान चला रहे हैं देश को मैला मुक्त किस तरह से किया जाए सीवर और सेप्टिक टैंक में जो हत्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ बहुत कारगर अभियान आपका चल रहा है जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय जो स्टॉप अस कैंपेन है वह तकरीबन 235 34 डेज कंप्लीट कर चुका है 11 तारीख से यह शुरू हुआ अभियान है बिजवाड़ा विल्सन आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2022 किस तरह से आप इस साल को देखते हैं क्या खास है 2022 में 2022 वेरी भयानक ईयर है क्यों है तो कई चीज़ों पे हम देखे तो राजनैतिक क्षेत्रों पे एक डेमोक्रेसी पे क्या नहीं होना ये बहुत ज़्यादा दिख जाए लाइक एग्जांपल वो एनी डेमोक्रेसी पे लोकतंत्र पे एक अपोजिशन पार्टी का बहुत ज़रूरत होते हैं बट इधर कई सालों पे इधर राजनैतिक क्षेत्रों पे पार्टियाँ दूसरा का साफ करना ख़त्म करना एक ये संस्कृति एक पॉलिटिकल पे ठीक नहीं है हमेशा हम समझना सोचना हमारा का गलत करे तो हमारा का बोलने वाला इधर कोई ना कोई होना चाहिए यही लोकतंत्र होते हैं ये एक अब्रप्टली ओपनली आके आपका अपोजिशन है इसका खत्म करना हमारा तो मतलब आपने एक पावर का आएंगे लोग का कुछ तो कुछ करने के लिए आप अपोजिशन पार्टी का खत्म करने के ही आपका एक बड़ा योगदान बनने के बाद ये मतलब आरएसएस बीजेपी का जो पूरा एजेंडा था कांग्रेस मुक्त भारत आप हाँ, उसका जिक्र कर रहे हैं yes. <coughs> कांग्रेस मुक्त भारत मतलब ये, मतलब ये लार्जेस्ट अपोजिशन आज का तारीख पे कांग्रेस ही है ये मैं नहीं बनाया उन्हें नहीं बनाया वो लोग लो बनाया सो so, लोग क्या अपोजिशन होना चाहिए बता रहे हैं उनका भी एक भूमिका होते हैं लोकतंत्र पे सो so, कोई पावर पे होते हैं वो उनका रेस्पेक्ट भी करना पड़ा अपोजिशन लीडर का भी प्रधानमंत्री का कितने हैं इतने ही रेस्पेक्ट होना चाहिए उनका भावना उनका कोई बात होते हैं पार्लियामेंट पे रिफ्लेक्ट होते हैं इसका तो सीरियसली लेना पड़ते हैं इधर तो वो ये मौसमी बिल्कुल दो पे मैं नहीं देखा ये सबसे मेरा लग रहा है ये लोकतंत्र का नीति पे हमारा राजनैतिक स्ट्रक्चर पे बड़ा हमला है जी इसके साथ साथ जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन Constitution पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर हमला बहुत तेज हुआ है आ, क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आज भी रेलिवेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एक विजनरी विजन डॉक्यूमेंट है फॉर इंडिया के लिए 1947 पे आजादी आने के बाद 1950 पे कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26 सिक्स हम लागू करते हैं मतलब वो दिने देश पूरा बराबर नहीं हुआ बराबर होना चाहिए तो ये एक इंसाफ सही ढंग से होना चाहिए तो ये देश पे क्या क्या गलतियाँ अभी तक हो चुका वो समय तक ये सारे निकाल के एक लोकतंत्र एक होना चाहिए एक बराबर का नीति है ये सारे का एक डॉक्यूमेंट तैयार करके हमने रखा वी हैव टू अटेंड हाउव टू अटेम्प्टी हाउ टू ट्राई हम कैसे ये बना सकती कोशिश करना बट अभी कोई अभी पार्टी पावर पे है उनका देख के ही उनका डर लगता है, बराबर कहते है. आजादी कहते है. सिर्फ अमीर लोग का अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे थर्टी एट थर्टी आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये बराबर का सरकार ने गतिविधि बनाना पड़ते हैं कोई सरकार ये विषय पे नहीं होती so, सो उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख के वो डरा डर दार। फायदा सी होते हैं सो so, इसलिए वो सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे भी डिफंक्ट बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या है मिनिमम मिनिमम करना कोशिश तो करो ये नहीं है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म करो बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई फोटो लेके इसका माला अर्पण करो सबका बताओ हम भी यही हैं ये मोस्टली ये ही चालू है अभी देश पे वो दे डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए किताब कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ए अग्रीड अग्रीमेंट बाई दिल वॉज देर एंड आजादी के बाद एक क्लियरली हमने बताया ये ही हमारा देश होते हैं जी ये नहीं हो रहा है आ, दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो जातिगत उत्पीड़न है उसको उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है काफ़ी हिंसा बढ़ी है लेकिन साथ ही साथ आरक्षण को लेकर भी एक बहुत आरक्षण एक बहुत निगेटिव टर्म के तौर पे इस्तेमाल पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक तौर पर होने लग गया है कि एक तरफ तो लोग कई ताकते हैं कई संगठन हैं कई पार्टियाँ हैं जो कहती हैं कि भाई जातिगत उत्पीड़न नहीं है जातिगत भेदभाव नहीं है सब लोग एक ढंग से बराबर आ गए हैं और दूसरी तरफ दिखाई देता है कि जातिगत उत्पीड़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वॉयलेंस बढ़ रही है अंतर ये विवाह पर हंगामा चल रहा है इस तरह की शादियों को ट्रैक करने की बात हो रही है से एक बात होते हैं हमारा भारत समाज है कभी इतने बड़ा आदर्शवाद समाज नहीं होते ये तो हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम थे, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज महिला का दलित आदिवासी अल्पसंख्यक उनका थोड़ा प्रॉब्लम हमेशा होते थे ये प्रॉब्लम्स से वो बाहर आने के उनका थोड़ा सुविधा तो थो होना चाहिए दिस कैनॉट बीन ए फाइट इन बिटवीन द इनिकवल इन इक्वल्स गैर बराबरों के बीच लड़ाई नहीं लड़ाई सो so, इसलिए उन्होंने कहा देर शुड बी सम काइंड ऑफ ए प्रिविलेजेस फॉर द एनी सम मार्जिनलाइज ग्रुप एनी ग्रुप सो ये बिल्कुल हमेशा होना ही चाहिए सो so, सारे ये देश पे कितने लोग होते हैं इस पे मेजोरिटी एस सी छोड़ के सारे लोग इसका खिलाफ बोलना एक तरीका ये दैट हैज बिकम ए पैशन एवरीबडी मस्ट स्पीक अगेंस्ट द रिजर्वेशन रिजर्वेशन का वजह से ये हो रहा है रिजर्वेशन का वजह से देश का बर्बादी है ठीक है रिजर्वेशन से क्यों दिया उनका सबका जानते हैं सेम वही लोग दूसरा जाति लोग कभी रिजर्वेशन चाहिए फाइट करते इसका मदद करते मतलब आपने दूसरा जाति का आरक्षण का तो मदद करेगा और किसका वो जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उनका तो देना तैयार नहीं।, नहीं है मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि 2022 की हम चर्चा कर रहे हैं और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण दस फीसदी किया उसमें बाकी रिजर्वेशन पर भी डिबेट को खोला जो कि काफ़ी ख़तरनाक बताते हैं क्योंकि उसमें रिव्यू की भी बात है उसमें क्रीमी लेयर की भी बात है इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल 2022 में और ज़्यादा अहमियत वाला है वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी नीति सही नहीं है ई का विषय पर एंड ई का सारे राजनीतिक पार्टी अभी ऐसा चुप सारे डायरेक्ट आके मदद करना दैट इज़ ऑल एक्चुअली ए डेंजर साइंस इन द इंडियन डेमोक्रेसी इधर कोई कुछ भी होगा कुछ गलत हो रहा है इसका खिलाफ आवाज़ उठाना कोई तैयार नहीं है सारे सहमत हो के वो कुछ तो करना तैयार है हमारा को वोट चाहिए वोट का बिना कुछ भी जरूरी नहीं वोट चाहिए सिंपल सो so, ई का हम अपोज करें तो हमारा का कोई वोट निकल जाएगा क्यों हमारा का वोट मिलना कुछ भी होगा ओके ओके सो अपोजिशन भी ये देश का अंदर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है एंड आरक्षण का वास्तव रूप से क्या नीति है क्यों वो आया ये देश का अंदर ये विषय पे भी एक चर्चा होना और सबका भी वो बताना जरूरी है नहीं तो ये देश पे अभी कोई टेंथ क्लास इलेवेंथ क्लास पढ़ते हैं नाम दलित बच्चा वो लोग सारे कुछ भी नहीं बोलते आरक्षण के खिलाफ तो बिल्कुल बोलते हैं वो बोलते हैं मेरा सीट नहीं मिला मतलब ये है उनका पता नहीं उनका कितने आरक्षण का वादी ये लोग आरक्षण का लोग कितने कैटेगरी हम कहते हैं सी एस टी उनका कितने प्रतिशत प्रातिनिधि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे और हर जगह बिल्कुल नहीं है फिफ्टी परसेंट भी दे आर अनएबल टू फिलफिल अगर आरक्षण कह रहे हैं कि जो कोटा आप, सीट है वो भर भरी नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं है सो so, उनका कोटा उनका प्रतिशत कितना है वो लिए तो आपका क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं यू फील फिल योन मतलब एक्सप्लाइटेशन करना उनका भी मैं कब्जा करना यह नीति होना बताने के कंप्लीटली वी लास्ट वी लास्ट ये कॉन्सेंस वी डोंट थिंक एनीथिंग इन ए रेशनल लॉजिकल हमने जस्ट एक के खिलाफ एक के खिलाफ ऐसा प्रैक्टिस हो गया देश में जी इसी मद्देनजर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में तो जो ई डब्ल्यू एस हुआ उस पर संसद में डिबेट नहीं हुई सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सहमति थी एक और चीज़ जो संसद में हुई 2022 में तमाम सत्रों में हुई उसमें चर्चा हुई सीबर और सेप्टिक टैंक में मरने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में और यहाँ पर हमने देखा कि आ, संसद में सरकार ने कहा कि मैला उठाने से मैला ढोने से यानी मैनुअल स्क्रवेंजिंग से कोई डेथ रिकॉर्डेड नहीं हुई है एक्सीडेंट हुआ है हेजार्डस क्लीनिंग उसमें बहुत आ, स्पेसिफिक शब्द है जो जवाब दिया गया देश के संसद में कि इतने लोगों की मौत हुई है 350 360 के करीब उन्होंने आंकड़े जो संसद में दिए हैं उसमें कहा है कि तीन लोग मरे हैं लेकिन वो एक्सीडेंटल डेथ है हैजार्डस क्लीनिंग इन सीवर एंड सेप्टिक टैंक तो इस तरह से दोनों चीज़ों को अलग अलग किया गया है मैला प्रथा को मैलाढोने को अलग किया गया है और इसे एक हैजार्डस क्लीनिंग यानी खतरनाक सफाई और उसमें हुई दुर्घटना के तौर पर पे पेश किया गया है सर so, दो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों बहुत गंभीर हैं एक है महिला प्रथा देश पे नहीं है एक स्टेटमेंट आ रहे हैं कंटिन्यूसली उनका सबका जानते हैं अभी भी शुष्क शौचालय पे काम करने वाला नागरिक ये देश का अंदर है उनका रोटी के लिए वो बिल्कुल आज भी काम कर रहे हैं वो तो करने वाला दलित महिला है सफाई कर्मचारी महिला है तकरीबन कितने राज्यों में आपके अभी तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार झारखंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द राजस्थान एंड उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर इन्हीं राज्यों पे आज आज भी ड्राइलेट एंड शुष्क शौचालय है सरकार के पास डेटा है सरकार का कुछ भी कई चीज़ पता नहीं कभी भी हम नहीं समझना सोचना सरकार का हर चीज़ वेरी क्लियरली मालूम है बट उन्हें पार्लियामेंट आके पार्लियामेंट लैंग्वेज एक तैयार करते हैं कोई ऐसा अशक्त लोग वेरी मार्जिनलाइज्ड वाइसलेस, उनका खिलाफ बोलने के समय मंत्री भी होगा प्रधानमंत्री भी होगा उनका थोड़ा उनका कॉन्शियस टच करके बताना पड़ते हैं कोई महिला साफ करने वाली महिला पचहत्तर साल आजादी के बाद आज का तारीख पे भी वो हाथ से महिला उठा के रोटी खा रहे हैं वो पार्लियामेंट पे आके नहीं कह सकते मैं काम कर रहा है उन्हें सुप्रीम कोर्ट आके सुप्रीम कोर्ट पर कहा मैं ये काम आज भी कर रहा है आप जो पिटीशन थी yes. जनहित याचिका हाँ, जो थी 2014 पे आया इसका बावजूद भी सरकार ने ये सोच भी नहीं है कैसे ये एक बड़ा अपमान जैसा नहीं ले रहा है दूसरा है ऐसा हमारा देश पे क्यों होना यह तो प्रधानमंत्री का दिमाग का अंदर आना पड़ेगा प्रधानमंत्री ये नहीं सोचते हैं किसी का पाव धोना उनका दूसरा धोना उनका कोई सब... स्वच्छ भारत तो लाए ना स्वच्छ भारत तो टॉयलेट बनाया बना के उनका क्या चाहिए वो कर सकते वो ब्रिज बना रहे बना वो टॉयलेट बना बना वो मैं आपका ब्रिज से आपका टॉयलेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरा सिर्फ सिर्फ एक ही बात है ये देश का नागरिक है वो हाथ से महिला डो के रोटी क्यों खाना सिंपल एक ही प्रश्न है अगर जैसा लोग है तो कितने लोग है उनका पहचान करो उनका पुनर्वास का एक योजना बनाओ एक पैकेज डिक्लेयर करो आप इतने साल आठ साल से यह सोचना भी आपका पास समय नहीं है तो इट कान ए डेमोक्रेसी अट ऑल आप अमीर लोग का नहीं तो कोई बड़ा बड़ा लोग के लिए करना कोई जरूरी नहीं यह तो बिजनेस है इट बिकम बिजनेस सो किसका आपका क्या करना कई so, चीजों पर सरकार का नीति भी इस पे हमारे का क्या प्रॉफिट मिलेगा मुझे होता सरकार का प्रॉफिट क्यों मिलना सरकार इज नॉट डूइंग द बिजनेस टू गेट द प्रॉफिट सरकार ने देखना मार्जिनलाइज मोस्ट मार्जिनलाइज उनका हक हाँ अधिकार हम कैसे सारे देश का नागरिक का हक हाँ अधिकार का देने के और इसका रक्षा करने के एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सरकार का है सरकार का दूसरा कुछ नहीं है hmm. उनका इज्जत से जीने के ये देश का नागरिक सरकार ने व्यवस्था बनाना पड़ते हैं वो बड़ा अमीर लोग का जरूरी नहीं उनका सेफ्टी होगा उनका डिग्निटी होगा उनका सारे चीज वो खुद करेंगे सरकार का काम ही है ये सिर्फ छोड़ के सरकार सारे कर रहा है दूसरा है सेप्टिक टैंक का है वो बोल रहा है मैनुअल स्कैजिंग नहीं है मतलब मैनुअल स्कैजिंग नहीं है तो मर डालो वो कैसे भी मारो आप मार डालो उनका आप कुछ भी आपका मतलब भी नहीं ये क्या बात होते हैं ओपनली ये लोग भी कितने लोग एक और दो नहीं है दो हजार चार सौ तीस का करीब लोग ये देश का अंदर गटर का अंदर गुस्सा के हमने मार डाल दिया उनका भी परिवार है उनका बच्चे है वो सारे लोग सड़क पे आके वो बता रहे है ये क्या है जो जो आप, आप अभियान चला रहे हैं जिसको करीब तैयार नहीं है, है।, बात बात है। मंत्री का बात टेक्निकॉलिटीज बात करने के बाद नहीं होते है आपने देखना कोई भी इंसान ये देश का अंदर ऐसा स्थिति पे मर रहा है हाउ वी कैन गो प्रिवेंट आज नहीं कल नहीं परसों ऐसा नहीं है अभी अभी तुरंत ये तो नहीं होना यह उनका दिल का अंदर होना जैसा प्रधानमंत्री का कभी नहीं होता है कैसा मुख्यमंत्री का क्या इतने समय, समय से आपकी है? यात्रा चल रही है क्योंकि देश में दो यात्राएं हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की और एक सफाई कर्मचारी आंदोलन का अभियान चल रहा है स्टॉप किलिंग आपका अभियान चलते हुए काफी समय हो गया तकरीबन सत्रह अट्ठारह राज्यों में ये अभियान चल रहा है अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपसे बातचीत कोई इसमें हल निकालने की कोई रास्ता खोला क्या नहीं अभी तक कोई भी इसके विषय पे कोई चर्चा नहीं है कोई न्यूज़पेपर पे पर खबर कुछ, कुछ आ जाते हैं इसका अलावा कोई कंसर्न ऑफिसर्स होगा कंसर्न मिनिस्टर्स होगा और कोई भी ये विषय पे बात ही नहीं है एक बात भी ये विषय पे बात नहीं करा है बट हमारा कहना इसकी वजह क्या लगती है आपको क्यों उन... ऐसा है कि इतनी इतनी बड़े संख्या में जब भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं ये कहीं से भी मुद्दा क्यों नहीं बनता ये देश का एक बड़ा आ, क्या बोलना एक बड़ा समथिंग इज वेंट वेरी रॉन्ग ये क्या है यह देश पे अभी सत्ता पे कोई बैठते हैं उनका पता चला हम कुछ भी करो इलेक्शन अलग है हमारा क्या करते हैं नहीं करते हैं यह अलग है हम कुछ भी नहीं करो हम इलेक्शन मैनेज करें तो हम जीत जाते हैं जीतने के बाद हम कुछ भी ये बहुत बहुत दुख का बात है और ये देश का नागरिक का सबका उक्रोश आक्रोश आना पड़ेगा ये देश उनका नहीं है ये देश हमारा सबका है ये देश कैसे जाना कैसे इसका ये बात ही नहीं होते हैं इलेक्शन पे जीते तो बराबर है इलेक्शन का जीतना इज नॉट एज एन रियल विक्ट्री

कैप्चर द पावर हैज बिकम यर्विंग द पीपुल है वो तो कहीं नहीं है जरूरी नहीं है अब कुछ भी करो वो तो हमारा क्या मिल जाएगा ये एक है दूसरा ये लोग हैं गटर का अंदर मरने वाला उनका संख्या कम है सो so, वो बोलेगा वो हालत जाति के हिसाब से कम है जाति का हिसाब तो ठीक है ठीक ठाक एसी का है और इसका अंदर भी फिर उपजाति होते हैं इसका अंदर भी वो ड्राई लेट्रिन साहब सो so, उनका कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा टुकड़ा करने के वो सीख लिया उनका कभी वोट चाहिए सबका ये इकट्ठा करेगा कभी हमारा वो डिमांड हम बोलना नजदीक आएगा हम सेपरेट सेपरेट टुकड़ा ये वो सीख लिया इसलिए उनका डर बिल्कुल नहीं है बट फिर भी ये लोग हैं अभी ये महिला हैं 233 डेज से देश का अंदर कोने कोने पे जाके हमें मारना बंद कर रो बोल रहा है ये तो छोटा नहीं है ये छोटा बात नहीं दे वॉन्ट टू एस्टाब्लिश एजन ए पीपुल्स डेमोक्रेसी वो लोग का सच पे लोग का लोकतंत्र क्या होते हैं ये दिखाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग सारे इकट्ठा हो जाएगा ये लोग इधर गद्दा पे बैठ के ड्रामा बजाने वाला का सारे भगाना पड़ते हैं वो लोग अभी कटा हो रहा है वो दो तीन चार पांच लग रहा है एक लाख भी एक से ही शुरू होते हैं वो लोग आ रहे हैं, वो सच बता रहे है हमें मारना बंद करो वो कुछ नहीं बोल रहा है मुझे सोना दो मुझे ये दो ये करोड़ दो वो नहीं बोल रहा है हमें मारना बंद करो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी वन से वेरी क्लियरली इज्जत से जीने के उनका हक है उनका हक के लिए वो आ रहे हैं दे आर एस्टाब्लिशिंग इंडियन ट्रू पीपुल्स डेमोक्रेसी दे आर नॉट कौन मर चुका वो मर गया उनके लिए वो क्या कर रहा है दे आर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू डेमोक्रेसी न्यू एस्परेशन वो लोग का सारे हम सैल्यूट करना पड़ता है जी एक आखिरी सवाल 2023 आपको लगता है कि ये जो सीन है ये जो तस्वीर है ये कुछ बदलेगी बिल्कुल बदलेगी। ये कोई इस पर शक ये वन परसेंट भी शक नहीं है इससे बड़ा बड़ा तानिशा और बड़ा बड़ा भी हमने देखा मुझे भी मालूम है मेरा बचपन से भी देखा मैं कोई भी होगा इंडियन पीपल आर वेरी जीनियस दे नो दैट डेफिनेटली व्हेन दे वांट तो टू थ्रो दे विल थ्रो ये सारे अभी ऐसा चल रहा है ये देख के सारे लोग वो कह सकते ऐसे ही है आप मैट्रिक्स ले सकते हम उनका मैनेज यू कैनॉट मैनेज पीपुल फॉर एवर यू मे मैनेज फॉर द जस्ट वन डे वन ईयर टू ईयर सम ईयर्स बट देर इज इन ए पीपुल्स डेमोक्रेसी दैट विल डस्टाब्लिश डेफिनेटली पीपुल आर नॉट फूल्स यू कैनॉट मेक ए फुल्स फॉर एवर बहुत बहुत शुक्रिया बिजवाड़ा विल्सन और निश्चित तौर पे हमें ये मानना ही पड़ेगा कि जनता को आप अनिश्चित काल तक मूर्ख नहीं बना सकते और जो अभियान है जो जनता तक जाना है यही दरअसल लोकतंत्र को बचाने की पहली सीढ़ी है और शायद आखिरी सीढ़ी भी शुक्रिया